जय श्री राम दोस्तों, आज हम फिर आ गए नए वीडियो को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं केजरीवाल और उसके इस्तीफे के बारे में, किस तरह से उसने एक नैरेटिव सेट करके इस्तीफा दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तमाम शर्तों के साथ, जब पहले भी ये बाहर आए थे पैरोल पर चुनाव प्रचार के लिए, वो मिशन इनका फेल हो गया था। और वो फेल इसलिए भी हो गया था, दिल्ली की इंडिया लाइंस के बावजूद, गठबंधन के बावजूद सातों की सातों सीटें भाजपा जीत गई थी। इनको ये लगता था कि सिंपति वेव के चक्कर में दो या तीन सीटें हमें गठबंधन से तो मिल ही जाएंगी। तो वहाँ इनके सिंपति का एजेंडा था जो कि पूरी तरीके से फेल हो गया था। बेल मिल गई, मान लिया, बाकियों को भी मिल गई। अब बेल इतनी अजीबोगरीब तरीके से मिली, या बेल मिला या गीला करके जूता इनको मारा गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बेल के टर्म कंडीशन तो आपको मालूम ही होंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, अगर साइन करना है तो एलजी की परमिशन लेनी होगी, दफ्तर जा नहीं सकते, कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, शुक्र करो ये आदेश नहीं आया कि शीश महल में रह नहीं सकते, अगर ये आदेश आ गया होता तो शीश महल से भी निकाल दिए जाते। और जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो उन्होंने एक नई चीज भारत के लोकतंत्र में पूरी घटना में स्थापित की है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो कि आज तक किसी ने न बनाया हो, कि एक मुख्यमंत्री सरकार जेल से भी चला सकता है। अगर तुम अपने जिद पे अटक जाओ, बेशर्मी पे अटक जाओ कि मुझे चाहे जितने दिन जेल में रहना पड़े मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। यह जनता के लिए भी एक मिसाल थी। आमतौर पर आदमी यह समझता था जब FIR हो गई, चार सीट में नाम आ गया, अब जेल जाना है, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस बेशर्मी को एक नई तरीके से पेश किया गया है कि ना हम डरेंगे और ना डराएंगे और ना दबाव में आएंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। यहाँ तक आने वाले समय में केजरीवाल ने देश के लिए एक नई मिसाल रख दी कि मैं जेल जाकर भी मुख्यमंत्री बना रह सकता हूँ। पता नहीं इन्होंने अपने मंत्रियों के इस्तीफे क्यों लिए थे जेल जाने के बाद, अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। केजरीवाल क्लीन बिल्कुल बाहर आते तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्तीफा देते। केजरीवाल के इस्तीफे का मेन कारण जो है वो है शर्त। इन हालातों में केजरीवाल ने बाउंस बैक मारने की कोशिश की, उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैंने तो त्याग कर दिया, अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा। ये इंदिरा जी की 1970 की चीज दोहराना चाहते हैं, वो भी लोगों के बीच में गई थी। अब इसने इस्तीफा तो दे दिया, अब इसने नया नैरेटिव सेट करके आतिशी मार्लिन को नया CM बनाने का फैसला किया है। अब ये कहेंगे कि मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, अगर मुझे कुर्सी का लालच होता तो मैं अपनी जगह मैं अपनी वाइफ को CM बना देता, पर मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं है, हम तो आम आदमी हैं। और आतिशी का बैकग्राउंड ये है कि इनके माता पिता ने अफजल गुरु जैसे आतंकियों का समर्थन किया था, और केजरीवाल ये बात जानते थे, इसी वजह से उन्होंने आतिशी को CM बनाने का फैसला किया। ऐसा करके अरविंद केजरीवाल ने एक नया ट्रैप बिछाया, और वो ट्रैप यह है कि भाजपा और उसके समर्थक आतिशी के पीछे भागे और आतिशी पे फोकस करे कि बताइए आतंकियों का समर्थन करने वाले माता पिता की बेटी को CM बना दिया। केजरीवाल ने डेवलपमेंट नहीं किया, केजरीवाल ने घोटाले किए, केजरीवाल ने शीश महल बनवाया, ऐसे जो सारे आरोप लगते हैं उससे सारा फोकस शिफ्ट हो गया आतिशी पर। अब केजरीवाल यही चाहते हैं कि उनके घोटालों पर चर्चा ना हो, उनके विकास ना करने पर चर्चा ना हो, चर्चा इस बात पे हो कि अगले CM ने क्या किया, अगले CM का बैकग्राउंड कैसा है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर आतिशी को चुना। बस आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सियाराम। फिर मिलेंगे दोबारा किसी धमाकेदार वीडियो के साथ।